वैशाली जिले के मैनार थाना क्षेत्र के इशाकपुर में पुलिस ने एक ट्रैक्टर पर लदे विवाहिता के शव को बरामद किया। इस मामले में मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन बबीता देवी की शादी 2 साल पहले रामपुर भुल्ला चौक निवासी सत्रोहन राय के साथ हुई थी, जिसके बाद लगातार बबीता के साथ दहेज को लेकर मारपीट किया जा रहा था। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। 2 साल पहले शादी हुआ था, उसका टॉर्चर बहुत कर रहा था। टॉर्चर करने के बाद 2-3 बार हम लोग गए, उसके बाद बोलता है ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग बोले ठीक है मिलेगा देंगे समय होने दीजिए थोड़ा, उसके बाद बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा। मतलब गश्ती दल को मालूम है कि ऐसे ऐसे शाकपुर गाँव में ट्रैक्टर छोड़ कोई भाग गया है, इस वक्त सौ पड़ा हुआ है, ताकि गश्ती दल में रहेगा उस गाड़ी को पकड़ गया, ड्राइवर भागने में सफल हो गया। माँ के घर वाला द्वारा सुबह सूचना दिया गया था कि ऐसे ऐसे मेरे बच्ची के साथ जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और वैशाली से संतोष इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, विवाहिता की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है, जाना चाहेंगे प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस किस तरह की कार्रवाई में जुट गई है और पुलिस इसे किस तरह देख रही है। जी राकेश, आपको बता दें कि अभी तक पुलिस के हाथ में जो है आरोपित गिरफ्त से बाहर है और लगातार जो है संदिग्ध जगहों पर छापेमारी की प्रयास जारी है, मगर अब तक जो है आरोपित गिरफ्तार नहीं हुई है। पुलिस अभी भी हाथ पुलिस के हाथ खाली है और परिवार के जो लड़की पक्ष के लोग हैं लगातार उनसे दबाव बना रहे हैं प्रशासन के ऊपर और घर पे भी जो है लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया जो होते हैं ठोस अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। जी राकेश जी, संतोष, चुकी ससुराल वालों पर दहेज के खातिर हत्या करने का जो मामला है वो यहाँ पर दिख रहा है और आरोप भी लगा है, क्या ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार चल रहे हैं और इस मामले में परिजनों से क्या बात हो पाई है, पीड़ित के मृतका के जो परिजन है उनसे? जी, परिजनों का कहना है कि जो लड़की पक्ष के जो घर पे है ताला लगा हुआ है और कोई भी घर में कोई भी सदस्य नहीं है, सब लोग भागे हुए हैं, इधर उधर भागे हुए हैं और लड़की पक्ष के तरफ जो लोग हैं वो लगातार कह रहे थे कि लड़की को लगातार प्रताड़ित दहेज के लिए किया जा रहा था, कभी कार के लिए, कभी कैश के लिए, कभी ज्वेलरी के लिए, इस तरीके से मामला लगातार बढ़ता आ रहा था और अचानक जो है कल रात जो है ये मौत में तब्दील हो गई। जी संतोष, चूंकि जो आरोपी है तमाम आरोपी जो फरार चल रहे हैं, क्या लगता है कि पुलिस आगे किस तरह की कार्रवाई करती है, क्योंकि अब तक कोई भी जो आरोपी है पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं? बता दें कि राकेश, अभी ठीक 1 सप्ताह पहले भी एक मतलब इसी तरीके की नौविवाहिता की होली के दिन हत्या कर दी गई थी, उसका भी मामला सहदेई ओपी में दर्ज है, लेकिन अब तक आपको बता दें कि उस केस में भी जो है सहदेई ओपी की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है और पुलिस लगातार जो है सिर्फ अपने निकम्मेपन की मतलब क्या कहें इस पर कुछ कहने के लिए पुलिस के पास कोई शब्द नहीं है। परिजन दोनों परिजन कहें जो मामले में जो ढिलाई है वो बढ़ती जा रही है, जो लापरवाही है प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है। आपसे बात हुई होगी पुलिस से यहाँ पर, तो क्या लगता है कि जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर किसी तरह की कोई छापेमारी चल रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, परिजनों का तो कहना है कि जो पुलिस काफी लापरवाही बरत रही है, ऐसी कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है कि जिससे परिजन संतुष्ट हो पुलिस के ऊपर। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। तो वैशाली की एक खबर सामने है जहां पर दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर दी गई और हत्या का जो आरोप है वो ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा है, हालांकि ससुराल पक्ष के जितने सारे लोग हैं वो सभी फरार बताए जा रहे हैं, हालांकि मृतका के जो परिजन है पुलिस प्रशासन पर ही आरोप लगा रहे हैं, वो भी लापरवाही का, क्योंकि पुलिस इस मामले में ठीक से काम कर नहीं रही, जिसकी वजह से आरोपी पक्ष के जो लोग हैं सभी फरार चल रहे हैं और उन्हें न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो एकदम नहीं सा दिख रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि किस तरह पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है, जो फरार चल रहे हैं क्या उन्हें गिरफ्तार कर पाती है या फिर नहीं।